मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। देवी अहिल्याबाई भगवान शिव की परम भक्त थी। उन्होंने अपने शासन काल में कई मंदिरों के निर्माण के साथ कई मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया। ऐसा ही एक मंदिर है शहर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पार्वती तुकेश्वर महादेव। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। पंडित जी, इस मंदिर का पौराणिक महत्व बताइए। पौराणिक के अहिल्याबाई के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया मंदिर है। यह मंदिर की विशेषता, मुख्य तीन विशेषता है। माता जी खड़ी हुई शिव जी के पास, ऐसी विशेषता कहीं भी नहीं है। उनके हाथ से जल चलता है, शिव जी का अभिषेक होता है, ये दूसरी विशेषता है। गणेश जी गोदी में है, दूध पीते हुए, मतलब पति की सेवा, पुत्र की सेवा और भक्तों की सेवा, सबके लिए वो खड़ी हुई है। और पीछे जो गणेश जी दिख रहे हैं पद्मासन पे बैठे हुए हैं, ये भी शिल्प की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है। और उनकी सूर्य जो है 3.5 आके आए हुए हैं। कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे सभी दूर से, आसपास से, राज्यों से, बाहर से भी सभी दूर से आते हैं। किसी विशेष दिन पर कोई पर्व या यहाँ पर लगता है? सावन में विशेष, 1.5 महीने का सावन होता है यहाँ पे। जैसे मानकर में 1.5 महीने का होता है, वैसे यहाँ पे भी 1.5 महीने का सावन होता है। शिवरात्रि होती है, रामनवमी उत्सव होता है, हनुमान जयंती उत्सव होता है। नागराजाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः, नागरिक ध्यान के दीजिए। ओम सोस्वते प्रतिदानीय स्वान स्वामेशो अनभेव भवान हरते मे प्रतन्नो जोकसुषन्नो भवति पते सर्वचतुष्पदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,